स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में जो आयुर्वेद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिनका रेफरेंस आप सभी को जानना होता है, जिनको आपको जानना होता है कि इनके मतलब क्या हुए, कैसे इनका उत्तर हमें देना है और कैसे परीक्षाओं में ये जो हैं बदल के इनके प्रारूप जो हैं परीक्षाओं में दिख जाते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड आपकी जो सीरीज, प्रश्नों की सीरीज जो है लगातार आप सभी को दी जा रही है, उस सीरीज के साथ फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ प्रश्नों के बारे में जो कि प्रत्येक आयुर्वेदिक भर्ती परीक्षाओं का एक आधारभूत मूल है और इसी पे जो प्रश्न हैं इन पे आधारित होते हैं। अलग अलग तरीके से बहुत सारे प्रश्न जो हैं, एक एक प्रश्न जो हम आपको बताएंगे उन पे अलग अलग तरीके से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आधारित होते हैं, उसके हिसाब से बहुत सारे प्रश्न जो हैं चलते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे प्रश्नों का समायोजन है और किस तरह से प्रश्न किस सेक्शन से बने हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली अपडेट वीडियो पाने के लिए, डेली जो न्यू वीडियो अपलोड होती है, आप अगर चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम आपको दिखे तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते हैं कि क्वेश्चन जो है किस हिसाब से हैं, कैसे क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, चीज़ों को कैसे इसमें रखा गया है। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है, इसके पहले भी जो वीडियो आई है जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वो क्वेश्चन और आंसर के ऊपर बेस्ड है, जिसको आप देख करके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि परीक्षाओं में जो प्रश्न होंगे वो किस तरह से होते हैं, कैसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए, कह रहा है त्रिदोष क्या है, तो त्रिदोष से ही समझ में आ रहा है। एक तो त्रि जो है संख्या को दिखा रहा है और दोष जो शारीरिक दोष के बारे में बता रहा है। तो अगर एक्सप्लेनेशन देंगे तो त्रिदोष क्या है, तीन दोष हैं। त्रिदोष क्या है, तीन दोष हैं, अर्थात वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष जो हैं शरीर के मूल घटक हैं, दोष भी हैं और शरीर के मूल घटक हैं, मुख्य जो तत्व हैं शरीर के, ये उन पे हमारा शरीर जो है आधारित होता है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद कह रहा है कि त्रिदोष जो हैं वात, पित्त, कफ हैं, ये शरीर के मूल घटक हैं, इनसे शरीर की क्रियाएँ क्रियान्वित होती हैं, इनके बढ़ने घटने से बीमारियां जो हैं होती हैं, शरीर में बीमारियां आती हैं और ये जब साम्य होते हैं तो बीमारियां जो हैं शरीर से हट जाती हैं। तो इनमें आपको पता चला कि तीन दोष होते हैं, त्रिदोष और ये वात और पित्त कफ है, ये शरीर के मूल घटक हैं। इसके अतिरिक्त जो शरीर में होमियोस्टेसिस को बनाए रखते हैं, होमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि मानव शरीर की जो व्यवस्था है जिससे शरीर चल रहा है, उस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह त्रिदोष है। उसके हिसाब से ही शरीर की जो प्रतिक्रिया है, प्रक्रिया है, या शरीर में जो चीज़ें चल रही हैं, बिगड़ रही हैं, वो सभी इसी के ऊपर आधारित होते हैं। इसी के साथ दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि कैसे पंच महाभूतों के बारे में रेफरेंस मिलता है। जैसे प्रश्न संख्या दो में पूछा जा रहा है कि पंच महाभूत क्या है, तो आपने कई बार आयुर्वेद के अलग अलग विषयों में आपने पंच महाभूत को बार बार देखा होगा, बहुत बार ये आता है। तो पंच महाभूत है क्या, पंच महाभूत का मतलब हुआ आयुर्वेद के अनुसार पंच महाभूत का अर्थ है पांच तत्व। महाभूत तत्व को दिखा रहे हैं, ये पांचों जब मिल जाते हैं तो महाभूत हो जाते हैं। अलग अलग हम भूत कहेंगे, भूत का मतलब तत्व ही होता है। ये पंच महाभूत होते हैं जो कि ब्रह्मांड और मानव शरीर की हर चीज़ में मौजूद है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। ब्रह्मांड की हर वस्तु विशेष में जो है पंच महाभूत होते हैं और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये पंच महाभूत हैं। जिसमें पंच महाभूत को अगर हम बोलें तो पृथ्वी, जिसको भूमि भी कह सकते हैं, जल, पानी, अग्नि, आग, वायु को हवा या वायु कह सकते हैं, आकाश को अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। मतलब ये पांचों तत्व हमारे शरीर में भी हैं और जो सृष्टि में जो भी विशेषता, जो वस्तु विशेष है, सभी में ये पंच महाभूत पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इनका एक बहुत ही अहम रोल है, इनसे शरीर का निर्माण जुड़ा हुआ है। शरीर में चेतना आने के बाद से शरीर जो है जीवित होती है। अगर ये न रहें और चेतना शरीर से संपर्क में न आए तो शरीर जीवित भी नहीं होगी और शरीर की क्रियाविधि नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा क्या कह रहा है,
क्या रस शास्त्र आयुर्वेद की एक शाखा है? देखिए ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, क्या रस शास्त्र आयुर्वेद की एक शाखा है? तो जहाँ तक आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा रस शास्त्र एक तरह से एक विषय है जिसके अंतर्गत रस तत्वों के समायोजन को रखा गया है, जिसके अंतर्गत रस तत्वों का शोधन है, उनसे भस्मीकरण उनका करके औषधि निर्माण की प्रक्रिया की जाती है। तो उसी तरह से अगर हम बोलें तो रस शास्त्र आयुर्वेद की एक शाखा नहीं थी, लेकिन अंततः मानव की बीमारियों के उपचार के लिए इसे समय के साथ आयुर्वेद के साथ मिश्रित कर दिया गया। मतलब रस शास्त्र आयुर्वेद की एक शाखा नहीं है, आयुर्वेद का एक मूलभूत विषय है जिनपे अलग अलग प्रयोगों के द्वारा, जिनमें अलग अलग प्रयोगों के द्वारा औषधि निर्माण करने का दायित्व है, औषधि निर्माण की जाती है रस शास्त्र में, जिसमें ज़्यादातर पार्थिव तत्वों का प्रयोग किया जाता है जो पृथ्वी के अंदर से भीतर से प्राप्त होते हैं, जिसमें धातु उपधातु रस महारस साधारण रस रत्न उपरत्न आदि ये सारी चीज़ें जो हैं सम्मिलित होती हैं, जिसके आधार पर जो रस शास्त्र है उसमें चिकित्साएँ होती हैं, चिकित्साएं की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा रस शास्त्र वरण जो है एक विषय ही नहीं, आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, पांच या पंच कर्म क्या है, पांच समझने के लिए मतलब पंच से हम पांच समझ सकते हैं, पंच कर्म क्या है? पंच कर्म का मतलब पांच कर्म, पांच तरह की क्रियाएं। कर्म का मतलब हम उपचार से समझ सकते हैं या उपक्रम से समझ सकते हैं, ऐसी पांच क्रियाएं जो हमारे शरीर में चिकित्सा से पूर्व अगर की जा रही हैं या दोषों के शमन के लिए की जा रही हैं उसे हम पंचकर्म कहते हैं। ठीक है, पंचकर्म एक तरह का उपक्रम है। क्या है? उपक्रम है। हम इसे ये नहीं कहेंगे कि यह एक तरह की चिकित्सा है, एक तरह का उपक्रम है जो दोषों के निर्मूलन के लिए शरीर में किया जाता है, शरीर के लिए किया जाता है। तो पांच कर्म क्या है? पंचकर्म, पंचकर्म है वमन विरेचन बस्ती नश्य और रक्तमोचन। पांच क्रियाएं जो है पंचकर्म में सम्मिलित होती हैं, जिसमें सबसे पहले वमन आता है। वमन का मतलब शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो शरीर में ऊपर की ओर है, जो ऊपर के मार्ग से बाहर निकाले, जो अभी डाइजेस्ट नहीं है, पचे नहीं है, अजीर्ण है, पुराने हो गए हैं, उनको मुख मार्ग से बाहर अगर निकाला जा रहा है जिस प्रक्रिया से, तो उसे हम वमन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दोष जो है शरीर में या मुख नली में या भोजन नली में फंस गए हैं, रह गए हैं, चिपक गए हैं, तो उनको निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं विरेचन। इससे भी शरीर से दोष बाहर आते हैं। उसके बाद से है बस्ती, जिसे हम एनीमा भी कहते हैं। आधुनिक समय में इस बस्ती को एनीमा कहते हैं। शरीर के उत्तर मार्गों से, मतलब कि शरीर के निचले विभागों से अगर शरीर में दवा प्रविष्ट कराई जाती है शोधन के लिए, तो उसे हम एनीमा कहते हैं। एनीमा योनि बस्ती के अंतर्गत हो सकता है, गुदा बस्ती के अंतर्गत हो सकता है, जो आपका यूरेथ्रा है जिसमें कैथेटरीकरण किया जाता है वो भी इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित है। उसी के अंतर्गत आता है नश्य। नश्य का मतलब है नाक के अंतर्गत तेल पहुंचाना या नाक की शोधन करना, नाक के द्वारा नासा जो नली है, नासा जो रंध्र है, जो नाक के जो भी अंग प्रत्यंग है उनका शोधन करना नश्य कहलाता है। इसमें नाक में तेल डाला जाता है, स्नेह डाल करके चिकित्सा की जाती है, उसे हम कहते हैं नश्य। उसके बाद से आता है रक्तमोक्षण, जिसको कहते हैं रक्तपात। रक्तमोक्षण का मतलब ये हुआ कि शरीर का संक्रमित या खराब रक्त उसे क्या करना, बाहर निकालना, उसे हम कहते हैं रक्तमोक्षण। अब उसके लिए शरीर में कई जगहों पे मेंशन है पंचकर्म में ही रक्तमोक्षण के अंतर्गत लीच थेरेपी दी जाती है, जिसमें जोंक को शरीर के उन विभागों पर चिपकाया जाता है जहाँ से खराब खून हमें निकालना हो। विसूचिका का भी प्रयोग कर सकते हैं खराब खून को शरीर से बाहर निकालने के लिए। तो इस तरह की प्रक्रिया जो है रक्तमोक्षण के अंतर्गत आती है। तो पंचकर्म का मतलब आप बस यही समझिएगा, पंचकर्म जिसमें पांच प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जो शरीर के शोधन के लिए की जाती हैं। उसके बाद से एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं,
एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, तो एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। अगर इस तरह से प्रश्न बन जाए, एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं, एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं, तो 3 घंटे होते हैं। एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। तो 8 प्रहर में कितने घंटे हुए, 8 प्रहर में घंटे कितने हो जाते हैं, 8 प्रहर में घंटे हो जाते हैं, 8 × 3 = 24 घंटे, ठीक है। तो एक प्रहर में अगर बात की जा रही है कितने, एक प्रहर में कितने घंटे हुए, तो 3 घंटे। उसी तरह से एक दिन में अगर पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा आपका 8 प्रहर, दिन की बात की जा रही है, ठीक है। कितनी बात की जा रही है, दिन की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से आपको दिमाग में रखना है कि अगर एक दिन में प्रहर की संख्या बोलेंगे तो कितनी है, 8 प्रहर। कितने प्रहर हैं, 8 प्रहर। प्राचीन काल में जो पैमाने थे, जो मापन था, जो बातें कही जा रही थी, वो ज़्यादातर उस समय की भाषाओं पे आधारित थे। संस्कृत शब्दों का भी ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता था, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं संस्कृत में होती थी, इसलिए प्रहर लोग, जिसको इस समय आप पहर कहते हैं, एक पहर, दो पहर, उस तरह से, ठीक है। अब अगला प्रश्न आ रहा है, एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है, एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है, तो एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। कितने मिनट का, 48 मिनट। अब इसके अतिरिक्त अगर कहीं भी मुहूर्त दे दे, 2 मुहूर्त 3 मुहूर्त 4 मुहूर्त, तो आप 48 से गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा एक मुहूर्त कितने मिनट का होता है। एक मिनट का अगर मुहूर्त है, तो अगर कई नंबर दे दे तो आप ये भी पता कर सकते हैं कितने मिनट उस मुहूर्त में हुए, ठीक है। अगर 4 मुहूर्त है तो 48 से गुणा करके आप देख सकते हैं कितने मिनट हुए। तो एक मुहूर्त में कितने मिनट की अगर बात कहें, तो आप बताएंगे एक मुहूर्त में 48 मिनट होता है, याद रखेंगे। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कफ दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो कफ दोष 5 प्रकार के होते हैं। कफ दोष कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। एक कफ दोष होता है जिसे कहते हैं क्लेदक, एक होता है अवलंबक, एक होता है बोधक, एक तर्पक, एक श्लेषक, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 प्रकार के कफ दोष होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक और श्लेषक, ठीक है। श्लेषक भी होता है या श्लेष्मक भी कई जगहों पे मेंशन है, आप श्लेषक या श्लेष्मक दोनों याद कर सकते हैं। उसी तरह से पित्त दोष की बात कर रहे हैं, पित्त दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दोष जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पित्त दोष भी 5 ही प्रकार के होते हैं, जिसे हम कहते हैं पाचक, रंजक, आलोचक, साधक और भ्राजक, ठीक है। भ्राजक क्या कहते हैं, भ्राजक। तो ये 5 प्रकार के पित्त दोष होते हैं। सभी का अलग अलग रोल है। पित्त क्या है, जो शरीर में गर्मी को दर्शा रहा है, हमारे शरीर में जो गर्मी हो रही है जिसके कारण हमारे शरीर में उष्णता बढ़ती है, उसे ही पित्त कहते हैं। तो पित्त कभी कभी बढ़ जाते हैं, तो जैसे हमने पहली क्लास में आपको बताया हुआ है, पहला जो क्लास आया था उसमें हमने बताया था कि पित्त प्रकृति वाले लोगों का जो प्रकृति है कैसा होता है, किस तरह, तो उसमें बताया गया था कि शरीर की उष्णता बढ़ती है, वर्ण थोड़ा सा विविध हो जाता है, अलग अलग चीज़ें शरीर में होती रहती है। उसी तरह से अगर पूछ रहा है वात दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो तीनों दोषों में प्रकार अगर देखें तो मुख्यतः 5 ही हैं, वात 5, पित्त 5, कफ 5, तो 15 दोष हो गए सभी के मिलाकर के, मतलब प्रकार हो गए। तो वात पहला, प्राण, उदान, समान, अपान और ब्यान। तो 5 प्रकार के वात दोष होते हैं, याद रखिएगा। प्राण वात दोष, उदान वात दोष, समान वात, अपान वात और ब्यान वात, याद रहेगा। उसके बाद से अंतिम प्रश्न लेते हैं, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न जो है 10वां, जिसमें है पंच महाभूत की उत्पत्ति क्या है। पंच महाभूतों की उत्पत्ति पंच तत्व मंत्र से हुई है। किससे हुई है, पंच तन मंत्र से। किससे हुई है, पंच तन मंत्र से। पंच महाभूतों की उत्पत्ति जो है पंच तन मंत्र से हुई है, ऐसा हमारे जो ग्रंथ है, वेद हैं, उनमें ये उल्लेखित है। तो इस तरह से इस सीरीज के भी 10 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह के जो वीडियो हैं, अगर आपको डेली तौर पे अगर चाहिए, परीक्षा उपयोगी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जो कन्फ्यूज़न है इस
वीडियो से रिलेटेड। इनमें जो भी क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें आपको जवाब दिया जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती हैं तो आप अपने क्लासमेट अपने सहपाठियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।